आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही यमी रेसिपी लेके आई हूँ जो 5 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। अगर आपके बच्चे इस रेसिपी को खाएंगे तो पिज़्ज़ा और बर्गर सब भूल जाएंगे। आज हम बनाएंगे अनियन चीज़ी बन। तो चलिए शुरू करते हैं। अनियन चीज़ी बन के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक बन। इसके बाद हम एक नाइफ की हेल्प से इस बन को कट कर लेंगे। हम बीच बीच में से इसको कट करेंगे। हमें इसे पूरा कट नहीं करना है, बस इतना करना है कि हम जो स्टफिंग बनाएंगे वो इसमें फिल हो जाए। देखिए कुछ इस तरीके से कि एक स्पेस बन जाए। तो हम दोनों साइड से दो दो कट लगा लेंगे और इसको नाइफ की हेल्प से कट कर लेंगे। प्लीज़ आराम से कट कीजिएगा, हमें ये पूरा कट नहीं करना है। तो देखिए दोनों तरफ हमारे पास स्पेस बन के रेडी हो चुका है, हमारा बन रेडी है। अब चलिए हम स्टफिंग बनाते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने एक बॉल लिया है और उसमें डाल दिया है कुछ प्रोसेस चीज़। ये 1 बॉल प्रोसेस चीज़ था मेरे पास, 1 कटोरी, और इसमें से मैंने सारा डाल दिया है। बस थोड़ा सा 2 स्पून के करीब रखा है, वो बाद में मेरे गार्निशिंग के काम आएगा। साथ ही में इसमें मैंने डाले चिली फ्लेक्स। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसे अवॉइड कर सकते हैं। फिर मैंने डाला है ओरिगैनो, 1/2 टेबल स्पून के करीब ओरिगैनो, और चुटकी भर नमक। नमक आप ज़्यादा मत डालेगा क्योंकि चीज़ में ऑलरेडी नमक होता है और बन में भी। अब हम इसे सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम उसमें डालेंगे अनियन। ये मेरा 1 अनियन था जिसको मैंने चॉप करके रखा हुआ है रफ, और इसको हम अपने स्टफिंग में डाल देंगे और स्टफिंग के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए हमारी स्टफिंग भी रेडी है, अब हम फिल करने का काम करते हैं। हम दोबारा से लेके आएंगे अपना वही बन जिसको हमने कट करके रखा था, और स्टफिंग को लेके जो हमने बन को जिस तरीके से कट किया था, बीच में स्पेस बनाया था, वो सारे स्पेस को हम फिल कर देंगे अपनी स्टफिंग के साथ में। आप इसको स्पून की हेल्प से या डायरेक्ट अपने हाथों से, जैसे भी आपको चाहे आप इसको फिल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आती रहे। तो चलिए अब हम इसको धीरे धीरे करके बन में सारी स्टफिंग को हम फिल कर देते हैं। हमारी स्टफिंग ऑलमोस्ट फिल हो चुकी है। देखिए हमारी स्टफिंग हो गई फिल, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको भी हम अच्छे से फिल कर देते हैं। तो सारी स्टफिंग हमारी अच्छे से इसमें फिल हो चुकी है। तो जो बची हुई स्टफिंग है उसको हम ऊपर से अपने बन के ऊपर लगा देंगे। जितनी भी स्टफिंग आपकी बचेगी उसको ऊपर से आप लगा सकते हैं। फिर बाद में जो हमने थोड़ा सा प्रोसेस चीज़ रखा हुआ था उसको भी हम गार्निश कर देंगे अपने बन के ऊपर, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा सा टेक्सचर इसमें आ जाए। और साथ ही में चुटकी भर ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स बिल्कुल कम डालिएगा क्योंकि हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। और 1 चुटकी मैं इसमें वाइट तिल भी डाल रही हूँ, बहुत सुंदर लगते हैं ऊपर से, तो 1 चुटकी वाइट तिल है, ये टोटली ऑप्शनल है। अब चलिए इसको कुक करते हैं। तो कुक करने के लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा घी मैंने लगा लिया है और मैं अपने बन को इस पर रख दूंगी और इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर मैं कुक कर लूंगी। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये कुक हो चुका है, चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, बस ये एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। इस रेसिपी को अगर आप खाएंगे तो आप दोबारा इसको ज़रूर बनाएंगे। आपको नेक्स्ट रेसिपी क्या चाहिए आप प्लीज़ कॉमेंट में करके मुझे बताइएगा।